एंड इस बार एक नॉक निकालेंगे स्नैक्स एंड इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी करेंगे, बट उसी दौरान एक और प्लेयर ऊपर पुश करेंगे, उन्हें भी नॉक एंड फिनिश कर जाएंगे। 1v2 यहां पर कर चुके हैं ऑलरेडी स्नैक्स, अब बारी है और दो प्लेयर्स को एलिमिनेट करने की। 1v2 कर चुके हैं, क्या और दो प्लेयर्स को एलिमिनेट कर जाएंगे, क्या 1v4 का सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा स्नैक्स की तरफ से। इनका वेस्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, यूटिलिटीज जो थी उनका इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इनके पास एक भी फर्स्ट एड नहीं है। जिस प्लेयर को इन्होंने ऊपर एलिमिनेट किया उसका क्रेट लूट कर अपनी यूटिलिटीज को वापस से रिफ्यूल कर रहा है, एंड ये एक रिस्की मूव है, ये एक ट्रैप है। सामने वाले कंपाउंड के ऊपर आ चुके हैं प्लेयर्स, एंड उस पोजीशन से अब स्नैक्स के लिए और मुश्किल होने वाली है। ब्लेजी अब बहुत बढ़िया पोजीशन पर नजर आते हुए बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, बट स्नैक्स भी बहुत ही शानदार गेम प्ले दिखाते हुए अपने सामने स्मोक की वॉल बना चुके हैं ताकि सामने वाली टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो। एंड लेट्स सी ब्लेजी की तरफ से क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड शायद उनकी तरफ से कोशिश है, वो भी टेरेस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे बट शायद उसमें कामयाब नहीं हो पाए, एंड ब्लेजी को भी डाउन किया जाएगा स्नैक्स के द्वारा। एक और फिनिश यहां पर हमें देखने को मिल सकता है, अब ये 1v1 की फाइट आ चुकी है। स्नैक्स आखिर कर क्या रहे गाइस, स्नैक्स लगातार नॉक्स पे नॉक्स निकालते हुए दिख रहे हैं एंड फिलहाल मुश्किलों में डाल रहे हैं टीम्स को, एंड फिल एंड शॉप भी किया जाएगा ब्लेजी को। अब ये 1v1 की फाइट आ चुकी है, अगर इस आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट कर जाते हैं तो मुश्किलें यहां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जंप करेंगे, एक स्प्रे लेंगे, डैमेज ऑलरेडी दे चुके हैं, एंड एक 1v1 की फाइट, एचपी बहुत ही ज्यादा कम, एक क्लच यहां पर हमें देखने को मिल सकता है।